हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की एक और फ्रेश वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं एडवाइस एक्सप्रेस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि इक्विटास बैंक में घर बैठे ऑनलाइन सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। यदि आप ये अकाउंट ओपन करते हैं तो ये आपको एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होगा। यहाँ पर आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही यदि आप यहाँ पर अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको तुरंत अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी तुरंत मिल जाता है। आपको यहाँ पर अकाउंट ओपन करने पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको वर्चुअल एटीएम कार्ड देखने को मिलता है जिसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। साथ ही आपको घर पर भी सेंड कर दिया जाता है एटीएम कार्ड आपका डेबिट कार्ड। तो इसको अकाउंट हम कैसे ओपन करते हैं इस वीडियो में मैंने पूरा विस्तार से बताया, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। साथ ही हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या कीजिए, आप गूगल खोल लीजिए और उस पर सर्च करना है आपको इक्विटास, EQITAS। जैसे ही सर्च करेंगे EQITASbank.com, EQITAS बैंक, जैसे ही सर्च करेंगे आपको इस तरह से नजर आएगा इक्विटास बैंक। आप अपने ब्राउजर को मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, उसको डेस्कटॉप मोड में कर दीजिए। डेस्कटॉप मोड में कर देने से आपको इस तरह से नजर आएगा। अब यहाँ पर क्लिक करना आपको इक्विटास बैंक पर। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने में ये ओपन होके आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूरा ये ओपन हो जाने दीजिए। अब यहाँ पर आपको ये इक्विटास बैंक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको 7.5% सेविंग अकाउंट में मिल जाता है। आप FD कराते हैं तो 8% यहाँ देखने को मिलता है इंटरेस्ट रेट, और यहाँ फास्ट टैग भी मिलेगा आपको, इलाइट भी मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर मिल जाता है आपको इंटरनेट बैंकिंग, उसके लॉकर का फैसिलिटी भी मिल जाता है आपको। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, पर्सनल में जाना है। यहाँ पे पर्सनल में जाने के बाद आपको यहाँ पर बैंकिंग दिख रहा होगा। बैंकिंग के बगल में है प्रीमियम बैंकिंग, सेविंग बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट, डेबिट कार्ड और यहाँ पर डिपॉजिट। चलिए हम यहाँ पर सेविंग अकाउंट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर सेविंग अकाउंट में जाने के बाद आपको यहाँ पर सेल्फी सेविंग है, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ पर देखिए 7.5% आपको इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएगा। यहाँ पर रुपया जीरो, नो मिनिमम बैलेंस, कोई मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड भी आपको देखने को मिलता है। चलिए यहाँ से हम ओपन सेल्फी सेविंग पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अब ये ओपन होके आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आपको लिखा रहा है अर्न अप टू 7 पॉइंट वर्चुअल डेबिट कार्ड ज्वाइंट अकाउंट। यहाँ पर इसका आपको वर्चुअल पेमेंट एड्रेस ही मिल जाता है, जीरो बैलेंस है ये। लेट्स गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, उसके आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम अदर करेंगे, इसका आपको यहाँ पर लोकेशन दिख रहा है, लोकेशन में भी अदर कर लीजिए। यहाँ पर ब्रांच है, ब्रांच में भी यहाँ पर स्काई ब्रांच है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर भरना है। चलिए हम यहाँ से फटाफट अपना नाम भर देते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर है, यहाँ मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आधार नंबर अपना टाइप करना है। चलिए हम आधार नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। आप यहाँ पर वर्चुअल आईडी भी यूज कर सकते हैं, आधार का वर्चुअल आईडी। चलिए हम यहाँ पर आधार नंबर अपना टाइप कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड अपना टाइप करना है, पैन कार्ड नंबर। चलिए हम फटाफट टाइप कर देते हैं। अब यहाँ पर पैन नंबर टाइप करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आई एग्री यहाँ पे क्लिक कर लेना है, टर्म एंड कंडीशन पर तीनों पे क्लिक किया हुआ रहता है। उसके आपको यहाँ पर जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर लिंक है इस पर एक OTP आया होगा, इस पर टाइप करेंगे।
अब यहां पर आपको अपना ओटीपी डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। थोड़ा सा समय लेगा ये। अब यहां पर आपको वेरीफाई पैन लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपका आधार कार्ड से जो भी एड्रेस था यहां पे आ जाएगा। अब यहां पर आपको वेरीफाई पैन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके सामने यहां पर कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा कि क्या क्या है, आपका नाम क्या है, आपका आधार कार्ड से टोटल यहाँ पे आ जाएगा, पैन नंबर भी आ जाएगा यहाँ पर, ये वैलिड है या फिर अनवैलिड है। यहाँ पे ओके पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने में इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर एग्री कर लेना है, इसका आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको मदर नेम लिखना है अपना, चलिए हम लिख देते हैं। यहाँ पे फादर का नाम लिख देना है, चलिए हम फादर का नाम लिख देते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी अपना टाइप कर देना है, चलिए हम ईमेल आईडी टाइप कर देते हैं। यहाँ पर सब कुछ फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस चूज करने के लिए कहा जाएगा, आप मैरिड हैं या सिंगल हैं। अब क्या है, जैसे कि मेरे केस में मैरिड है। यहाँ पर आप करते क्या है इसको सिलेक्ट करना, आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, एक्स सर्विस में है, क्या है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए हमने सिलेक्ट कर लिया, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने में यहाँ पर आ जाएगा। अब सिंगल आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर ज्वाइंट, तो चलिए हम सिंगल ही रहने देते हैं। आप यहाँ से ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ज्वाइंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर कुछ समय लेगा ये। अब यहाँ पर नॉमिनी ऐड करने के लिए आ जाएगा। यहाँ से आप इसे बाद में भी ऐड कर सकते हैं, अभी ऐड करना चाहते हैं तो इसको आप नो पे क्लिक करेंगे। यदि आप बाद में इसको ऐड करना चाहते हैं तो लेटर पे रहने दीजिए। चलिए हम इसे अभी करना चाहते थे, नो पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर नॉमिनी का नाम लिख देंगे हम, यहाँ पे चलिए नॉमिनी का नाम लिख देते हैं। यहाँ पे रिलेशन सेलेक्ट करना होगा, क्या रिलेशन है आपका, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको नॉमिनी यहाँ पर सेलेक्ट करना है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है, चलिए हम टाइप कर देते हैं। अब यहाँ पर यदि नॉमिनी का एड्रेस सेम एड्रेस है आपका नॉमिनी का और आपका, यहाँ पे टिक कर दीजिए। यदि एड्रेस अलग है नॉमिनी का तो यहाँ पर क्या कीजिए, चेंज कर सकते हैं आप। मेरे केस में यहाँ पर सेम है तो इस पर हम टिक कर लेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक ओटीपी, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी गया होगा, यहाँ पे टाइप करना होगा, चलिए हम ओटीपी को टाइप कर देते हैं। यहाँ पर ओटीपी अपना टाइप कर दीजिए। ओटीपी टाइप करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब देखिए आपको, अब यहाँ पर आप क्या चाहते हैं, आप अपना एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड पर नाम क्या चाहते हैं यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं, अपना डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड पर जो नाम चाहते हैं यहाँ पे टाइप कर लीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपका एटीएम कार्ड यहाँ पे रेडी है, ये वर्चुअल एटीएम कार्ड है, वर्चुअल डेबिट कार्ड है। यहाँ पर आपका ये वर्चुअल डेबिट कार्ड है, अब आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं वर्चुअल रूप से। इसके बाद आपको हम क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको ऐप अपना डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पर हमने जीमेल खोल लिया है, जीमेल पर भी एक मैसेज आया होगा। यहाँ पर देखिए यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली लिखा गया है। अब यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, आपका कस्टमर आईडी, यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप और आपका ब्रांच क्या है, यहाँ पे मोबाइल नंबर क्या है, यहाँ पे सारा डिटेल आपको मिल जाएगा आपके अकाउंट नंबर, आपके ईमेल आईडी पर। यहाँ पर नाम देखिए, अकाउंट नंबर, आपका कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट टैग और यहाँ पे फोन नंबर, सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, अपना ईमेल आईडी खोल करके चेक कर लीजिए। तो इस तरह से दोस्त आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद है कि मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया कि इक्विटास बैंक में घर बैठे ऑनलाइन सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश हम जरूर करेंगे।